मॉर्निंग, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज नए टॉपिक को शुरू कर रहे हैं, बिल्डिंग मटेरियल्स। इसमें एसएससी जेई में पूछे गए क्वेश्चंस हम यहाँ डिस्कस करेंगे, जो कि 2023 के शुरुआत के दो शिफ्ट के क्वेश्चन इसमें शामिल हैं। पहला क्वेश्चन है, एज पर IS 3495 पार्ट 3 1992, सॉल्युबल साल्ट्स इफ प्रेजेंट इन ब्रिक्स विल कॉज एफ्लोरेसेंस ऑन द सर्फेस ऑफ ब्रिक्स। If the white deposits cover about 10% of the surface, the efflorescence is said to be, यानी efflorescence का क्लासिफिकेशन होगा heavy, moderate, slight या nil के फॉर्मेट में। ये क्वेश्चन जब आपके सामने पड़ेगा तो एक फील जनरेट होगी कि क्वेश्चन कैसे क्रिएट करते हैं, कैसे नहीं क्रिएट करते हैं। ये क्वेश्चन ESE सिविल 2020 का अगर आप जाएंगे तो प्री का क्वेश्चन है, जिसमें 10% की जगह उन्होंने कहा है कि 10% से ज़्यादा हो और 50% से कम हो, ये क्वेश्चन पूछा गया। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से क्रिएट हो रहा, कैसे हो रहा। अब आ जाते हैं इसके क्वेश्चन के डिस्कशन पे। नील की कंडीशन तब है जब कुछ भी एक्सपोज एरिया जो ब्रिक का होता है उस पर कुछ भी कवर ना हो, थिन साल्ट लेयर बिल्कुल भी कवर ना हो, तो वो नील हो जाएगा। स्लाइड का मतलब है कि 10% एक्सपोज्ड एरिया, लेस देन 10% या अप टू 10% आपका हो तो स्लाइट होगा। इसने क्या कहा है कि इफ़ द वाइट डिपॉजिट्स कवर अबाउट 10% ऑफ द सर्फेस, मतलब अप टू 10%, लेस देन और इक्वल टू 10%, तो ये कितना हो जाएगा, स्लाइट हो जाएगा। अब 10 से 50% तक तो क्या हो जाएगा, मॉडरेट हो जाएगा, और अगर 50% से ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। और इसमें एक कंडीशन है, वो कंडीशन समझ लीजिए, वो ज़रूरी है। अगर उसने एक लास्ट स्टेज है वो है सीरियस। ये जब 50% 10% से 50% यानी मॉडरेट कंडीशन है, तो इसमें बोला जाता है इट इज कवरिंग अप टू 50% ऑफ द एक्सपोज्ड एरिया ऑफ ब्रिक, बट अनएकम्पनाइड बाई पाउडरिंग और फ्लेकिंग ऑफ द ब्रिक सर्फेस। ये चीज़ अकर नहीं करती है, फ्लेकिंग ऑफ द ब्रिक सर्फेस। यही जब हम सीरियस की बात करेंगे तो 50% से तो ऊपर होगा, हैवी डिपॉजिट तो होगा, बट एकम्पनाइड बाई पाउडरिंग एंड फ्लेकिंग ऑफ द एक्सपोज सर्फेस ऑफ द ब्रिक। तो ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है इसमें, कि अगर हैवी के बाद उसने क्वेश्चन पूछा तो ये टर्म इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि अनएकम्पनाइड है या एकम्पनाइड है। तो यहाँ से ये क्लियर हो गया, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर स्लाइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फील्ड ऑफ एप्लीकेशन ऑफ सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट। थोड़ा सा जान लेते हैं सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, कहीं कहीं इसको सल्फेट रजिस्टिंग पोर्टलैंड सीमेंट बोलते हैं, SRPC शॉर्ट फॉर्म में भी बोलते हैं। इट इज रिकमेंडेड इन प्लेसेज वेयर द कंक्रीट इज इन कॉन्टेक्ट विद द सॉइल, ग्राउंड वाटर, सी वाटर, सी वेस्ट ट्रीटमेंट वर्क्स, इट इज एक्सपोज टू सी कोस्ट। मतलब मैरीन स्ट्रक्चर में इसका यूज है, सीवेज ट्रीटमेंट में है, फाउंडेशन और बेसमेंट में है, और इन ऑल दीज कंडीशंस कंक्रीट इज एक्सपोज टू अटैक फ्रॉम सल्फेट्स दैट आर प्रेजेंट इन एक्सेसिव अमाउंट्स विच डैमेज द स्ट्रक्चर। तो वो सल्फेट का अटैक होता है ऐसी कंडीशन में सबसे ज़्यादा, तो ये जो सीमेंट होती है सल्फेट रजिस्टिंग सीमेंट, इसका नाम ही है, तो यहाँ यूज की जाती है, डैम्स में इसका यूज नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन सी पार्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, सर्फेसेज पेंटेड बाई ब्लैंक साइन लाइक रेडियम डायल्स आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट हैज़ बीन कट ऑफ। जब आप देखते हैं कि रेडियम के रोड पे जैसे चमकते हैं तो क्या यूज किया जाता है, सर्फेसेज पेंटेड बाई साइन लाइक रेडियम डायल्स आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट हैज़ बीन कट ऑफ, मतलब इस तरीके के सर्फेस जो चमकते हैं उसमें पेंटिंग किस तरीके की जाती है। तो अगर ये ऑप्शन है तब इनेमल पेंट है, अगर ये नहीं है ऑप्शन में ल्यूमिनस पेंट है तो वो भी इसका करेक्ट आंसर होगा। ये साइंटिफिक नेम है, ये कन्वर्टेड नेम है, और सर्फेसेज पेंटेड बाय इनेमल पेंट साइन लाइक रेडियम डायल्स आफ्टर द सोर्स ऑफ लाइट हैज बीन कट ऑफ। इनेमल एक मटेरियल होता है और इनेमल पेंट भी होता है, इनेमल मटेरियल का यूज करके इनेमल पेंट बनाया जाता है, दोनों में बहुत डिफरेंस होता है अगर एज पर एज इंग्रेडिएंट्स की बात करेंगे। तो इस चीज़ को फिलहाल यहाँ पे इतना है जो क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी शायद ESE का ही क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, द स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट ऑफ सीमेंट इज कंडक्टेड बाई यूजिंग, क्या जो स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट होता है वो क्या अपरेटस यूज करता है, तो विकेट अपरेटस यूज करता है, और विकेट सेपरेटर्स यूज करने में ये जो टेस्ट होता है तो परसेंटेज ऑफ वाटर
जो सीमेंट में ऐड किया गया है उस पे एट विच द नीडल कैन नॉट पेनेट्रेट 5 to 7 mm फ्रॉम बॉटम ऑफ द मोल्ड इज कॉल्ड कंसिस्टेंसी। एक सर्टेन पेनेट्रेशन के बाद पेनेट्रेशन पॉसिबल नहीं होता है तो कितना परसेंटेज ऑफ वाटर ऐड किया जाए कि ऐसी सिचुएशन क्रिएट हो उसको कंसिस्टेंसी कहा जाता है। ये काम स्टैंडर्ड कंसिस्टेंसी टेस्ट कहलाता है और ये जिस अपरेटस से किया जाता है उसको विकेट अपरेटस कहते हैं। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑब्टेंड बाई रोटेटिंग ए लॉग ऑफ वुड अगेंस्ट ए शार्प नाइफ ऑफ रोटरी कटर। एक अगर लकड़ी है उसको आप रोटेट करें और एक हल्की सी उसमें नोक लगा दें किसकी चाकू की, तो आप देखेंगे एक पतली पतली इस तरीके की सीट निकल के आएगी जो गोल नुमा फॉर्मेट में आएगी, लेकिन अगर आप उसको खोल दोगे तो वो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट में एक आपके सामने सीट नुमा बन जाएगी। तो उसको जो बोलते हैं वो विनियर्स बोलते हैं। विनियर्स आर ऑब्टेंड बाय रोटेटिंग ए लॉग ऑफ वुड अगेंस्ट ए शार्प नाइफ रोटरी कटर और सा। और ये जो डेफिनेशन है विनियर्स की, इसमें थिकनेस वेरी करती है 0.4 mm से 6 mm तक, 0.4 mm से 6 mm तक। और इसमें एक चीज़ और महत्वपूर्ण है, ये जब रिमूव किए जाते हैं ये किन्स में ड्राई किए जाते हैं ताकि मॉइस्चर इसका कम हो जाए। हमने आपको फिगर में भी दिखाया कि किस तरीके की सीट निकलती है। इस तरीके की सीट जब कट लगता है तो बिल्कुल पतली सीट निकलती है, जिसकी हमने ये भी बता दिया कि कितनी विड्थ वेरी या थिकनेस वेरी करेगी, 0.4 mm से लेके 6 mm तक। ये अगला MCQ बन सकता है। द विड्थ ऑफ द विनियर्स वेरी फ्रॉम, ऑप्शंस दे दिए जा सकते हैं, इसको लेके कोई डाउट नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, सुपर प्लास्टिसाइजर्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सीलरेटर, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, लो रेंज वाटर। इनको बोलते हैं हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, HRWR शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं। जो लोग हैबिचुअल होते हैं बिल्डिंग मटेरियल्स की फील्ड में, सिविल इंजीनियरिंग स्पेसिफिकेशन रखते हैं या काम करते हैं या उनकी कंपनीज हैं, वो इसको HRWR बोलते हैं। पर डब्बे में बंद होकर आता है, अलग अलग नाम होते हैं इनके। तो सुपर प्लास्टिसाइजर आल्सो नोन एज प्लास्टिसाइजर और हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, रिड्यूस वाटर कंटेंट। अब ये अगला क्वेश्चन है कि जो ये सुपर प्लास्टिसाइजर्स होते हैं ये वाटर कंटेंट को कितने से कितने परसेंट तक रिड्यूस कर सकते हैं, तो 12 से 30% तक। और इसको हमने दिखाया भी है आपको, इस तरीके का ये मार्केट में अवेलेबल रहता है। डुप्लेट PC P112 नाम से भी है, तमाम नाम होते हैं, अलग अलग कंपनीज के होते हैं। द टाइप ऑफ टिम्बर रिकमेंडेड फॉर कंस्ट्रक्शनल पर्पज हुज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इन बेंडिंग इज अबव 12.5 kN/mm² इज क्लासीफाइड एच। अगर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग में 12.5 kN/mm² से ज़्यादा है तो टिम्बर किस ग्रुप में क्लासीफाई होगा। इसके तीन ग्रुप क्लासीफाई होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉडुलस ऑफ इलास्टी। जैसे हमने एक अवेलेबिलिटी के ऑप्शन कम्युनिटी में क्वेश्चन पूछा था तो उसमें XYZ क्लासिफिकेशन होता है, ऐसे ही मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी में क्लासिफिकेशन ABC के फॉर्मेट में होता है। अगर ग्रुप ए है तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बेंडिंग में 12.5 kN/mm² से ज़्यादा होगा। अगर बी है तो 9.8 kN/mm² से 12.5 kN/mm² के बीच में होगा। अगर सी है तो 5.6 kN/mm² से एबव होगा और बिलो होगा 9.8 kN/mm². तो ये ABC क्लासिफिकेशन इस हिसाब से होता है। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स ऑफ क्वेरिंग इज सुटेबल फॉर क्वेरिंग स्मॉल थिन एंड रेगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्विस्टोन्स फ्रॉम रॉक्स सच एज ग्रेनाइट एंड निस, जी निस या निस बोलने। तो एक तो कल हमने कम्युनिटी पे भी क्वेश्चन कराए थे कि क्या ग्रेनाइट है, मेटामॉर्फिक रॉक क्या होता है, कैसे बनती है रॉक से मेटामॉर्फिक रॉक। तो इसने ये पूछा है कि कौन सा सुटेबल है, मतलब जो मेथड है उसका क्या नाम बोला जाएगा, वेजिंग बोला जाएगा, ब्लास्टिंग बोला जाएगा, हीटिंग बोला जाएगा, एग्जीकेविटिंग बोला जाएगा। तो वेजिंग जो मेथड है वो यूज किया जाता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए। वेजिंग मेथड यूज किया जाता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के लिए, जैसे सैंड स्टोन है, लाइम स्टोन है, लेटेराइट है, मार्बल है, स्लेट है। जो हीटिंग है ये मोस्ट सुटेबल होता है क्वेरिंग स्मॉल थिन एर रेगुलर ब्लॉक्स ऑफ स्टोन्स फ्रॉम रॉक्स सच एज ग्रेनाइट जीनिस, ठीक है।
तो ये हीप ऑफ फ्यूल इज पाइल्ड एंड फ्रेड ऑन द सर्फेस ऑफ द रॉक, फिर उसके बाद जो प्रोसीजर है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हीटिंग होगा। जो क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है यहाँ से नेक्स्ट ईयर्स में, उसका आंसर हो जाएगा वेजिंग। याद रखना, वेजिंग जब लिखा होगा तो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का नाम होगा सैंड स्टोन, लाइम स्टोन का, और ग्रेनाइट और इसका पूछा जा चुका, रिपीट होने की पॉसिबिलिटी कम रहती है, उससे निकलने वाली शाखाओं के क्वेश्चन की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम रहती है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपका हो जाता है, जो गलत नहीं होना चाहिए ऑब्वियसली अगर आता है। ये क्वेश्चन है, बैम्बो इज कॉमनली यूज्ड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कैफोल्डिंग्स, ब्रिजेज एंड स्ट्रक्चर्स ड्यू टू इट्स स्ट्रॉन्ग फाइबर कंटेंट होता है, इलास्टिसिटी होती है, टेंसाइल स्ट्रेंथ होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑल आर करेक्ट। बैम्बो जो होता है बहुत स्ट्रांग फाइबर होता है, इतनी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है कि ट्वाइस द कंक्रीट होती है, जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है वो कंक्रीट से दोगुनी होती है। तो एक क्वेश्चन तो ये बनता है कि जो बाम्बू है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ इज अबाउट तो ट्वाइस द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, और टेंसाइल स्ट्रेंथ अबाउट टू स्टील की जितनी टेंसाइल स्ट्रेंथ है उतनी होती है। और अच्छी अच्छी जगह पर मतलब इनको यूज किया जाता है, आप ट्रसेज में यूज करते हैं लो कास्ट पे, और बैम्बो वाल्स बनाने में आप यूज करते हैं, और इसी तरीके से बैम्बो कैन बी लेमिनेटेड इनटू सीट्स एंड फ्लैटेंड बाय स्प्लिटिंग, लार्ज कम कोरोगेटेड बैम्बो रूफिंग सीट्स आर अवेलेबल इन द रूफिंग मार्केट। इस तरीके के इसके यूज होते हैं। इसके अलावा जो यहाँ क्वेश्चन है, इसके फोल्डिंग में यूज किया जाता है इसको, क्योंकि इसमें लाइट वेट, इजी ट्रांसपोर्टेशन, लो कास्ट और फ्लेक्सीबिलिटी रहती है। तो ये क्वेश्चंस पूछे गए थे होपफुली, और कम्युनिटी पे आप जो क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं उनको मत छोड़िएगा, क्योंकि वो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाले हैं। वो एक सिस्टमेटिक वे में है उनका, जब भी आप क्वेश्चन उसका सॉल्व कर रहे हैं तो उसको इस फीलिंग से सॉल्व करिए कि हम एग्जाम में ये क्वेश्चन दे रहे हैं, उसके सोल्यूशन को प्रॉपरली देखिए, तो आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी।